हेलो दोस्तों, आपके हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों देखिए, आपका मनपसंद लेकर आई हूँ मैं पास्ता, मैं रुचि देवी। तो दोस्तों देखिए कैसे बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है, बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, बड़े लोगों को भी पसंद है। दोस्तों तो देखिए बहुत अच्छे तरीके से हमने बनाया है, बिल्कुल कम समय में मैंने, इसमें कोई झंझट नहीं है, बहुत आसान तरीका है। तो दोस्तों इसको पहले हम उबाल लेते हैं गर्म पानी में, तो अच्छे से हमने उबाल लिया है इसको। अब इसको पानी से निकाल लेंगे, सारे को उतार के एक थाली में रख देंगे अच्छे से। और दोस्तों देखिए बहुत ही अच्छे तरह से उबल गया है, ऑयल गर्म हो रहा है। अब मैं इसमें जीरे का तड़का दे रही हूँ और प्याज और हरी मिर्च लहसुन काट ली हूँ, इसी से इतना बढ़िया बन जाएगा। देखिए हम तेल में लहसुन मिर्ची डाल दी हूँ, अच्छे से इसको भूनूंगी, हल्का लाल हो जाएगा तो इसके बाद हम प्याज ऐड करेंगे इसमें। इसके बाद हम प्याज ऐड करेंगे, देखिए प्याज को भी अच्छे से हम भूजेंगे। देखिए अच्छे से प्याज हम भूज रहे हैं इसको, हल्का ब्राउन होने तक। इसी से बहुत ही टेस्टी बनता है। इसमें मसाला डालेंगे, जीरा और धनिया है, इसको पीस ली हूँ मैं अच्छे से पीस ली हूँ। देखिए अच्छे से मसाले को भूज लूँगी मैं। इसके बाद हम ये पास्ता डालेंगे, और बिल्कुल इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है दोस्तों, बिल्कुल नहीं। अब इसको अच्छे से हम मिला लेंगे मसाला के साथ। बहुत ही कम समय में बन के तैयार हो जाता है, बहुत ही अच्छा रेसिपी है ये, और बहुत लोगों को ये पसंद है पास्ता। तो दोस्तों ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए इसमें नमक ऐड करना है, और नमक ऐड करके इसको अच्छे से मिलाएंगे हम, अच्छे से मिला के इसको ढक देंगे, थोड़े देर के लिए ढक देंगे 1 मिनट के लिए, और उसके बाद ये अच्छे से नमक इसका मिल जाएगा। देखिए ढक रहे हैं इसको अच्छे से, अब इसका नमक मिल जाएगा तो इसको निकाल के फिर इसको चला दो एक बार। देखिए हमारे पास्ता बन के तैयार हो गया है दोस्तों। तो हमारा रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसके ऊपर से धनिया डाल दो, धनिया से और इसका स्वाद बढ़ जाता है। तो दोस्तों एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा ये रेसिपी, हमारे तरीके से ज़रूर बनाइएगा। हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और प्लीज़ हमें भी सपोर्ट करिए दोस्तों। तो देखिए हमारे पास्ता बन के रेडी हो गया है, इसको मैं प्लेट में निकाल ली हूँ, बहुत ही टेस्टी है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार, बहुत ही अच्छा लगता है, इसमें बिल्कुल पानी नहीं डालना है, और बहुत ही पसंद है ये, बहुत लोगों का मन पसंद है, फेवरेट है। तो दोस्तों हमारे चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ सपोर्ट करिए। और दोस्तों देखिए अच्छे से, एक भी टुकड़ा इसका वो नहीं हुआ है, जैसा था वाली हूँ वैसा ही है, गला नहीं है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।